एवरी वन वेलकम टू आप में से जितने भी बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं मेरा नाम रेणुका अनफाल है आप लोग मुझे प्यार से रेणुका दी कह के बुला सकते हो बच्चों एन या फिर एन द्वारा जब भी नीट रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट रिलीज़ होगी आप लोगों को मेरे चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी इसके अलावा आप लोगों की नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन को स्ट्रांग करने के लिए मेरे चैनल पर अपलोडेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स शॉर्ट देसी ट्रिक वीडियोस, क्विक रिवीजन सीरीज मेरे कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में हर डेट से दो घंटे में अपलोड हो रहे क्वेश्चन इन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करिएगा और अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रांग करिएगा इसके अलावा स्ट्रेटेजी वीडियोज आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मोटिवेशन वीडियो और खूब सारा प्यार मैं हमेशा आप लोगों को देती रहूंगी ताकि आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत खुशी खुशी बहुत स्मूदली होती रहे बात करते हैं एनएमसी की ऑफिशियल अपडेट key अगर आप लोग एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें बच्चों तो कुछ घंटों पहले एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है आप खुद भी उस नोटिस को डाउनलोड करते हुए रीड कर सकते हैं मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स बता रही हूँ बच्चों एनएमसी ने उस पब्लिक नोटिस में मैंशन किया है एक गुड न्यूज ना सिर्फ एनएमसी के लिए बल्कि हर एक नीट एस्पेरेंट के लिए अगले दस साल के लिए एनएमसी को डब्ल्यू एफ रिकॉग्निशन स्टेटस मिल गया है डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू एफ फॉर वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिकल एजुकेशन के इंप्रूवमेंट पर वर्क करती है है. हमारी कंट्री को एनएमसी को अगले दस साल के लिए डब्ल्यू एफ स्टेटस मिल गया है और इससे यह फायदा हुआ है कि अब इंडिया से एमबीबीएस करने के बाद जितने भी एस्पिरेंट्स फॉरेन कंट्री से पीजी कोर्सेज परस्यू करने की सोच रहे हैं या फिर फॉरेन कंट्री में जाकर मेडिसिन प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं वो इजली इन सभी ऑप्शन के लिए जा सकते हैं अब इंडिया से एम करने के बाद आप डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से अपना पीजी कोर्स कर सकते हैं या फिर मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं देखो इससे पहले तक क्या होता था ना अगर आप लोगों ने इंडिया से एमबीबीएस करी है इसके बाद आप लोगों को फॉरेन कंट्री से पीजी करना है या फिर फॉरेन कंट्री में जाकर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है तो आप लोगों को पहले वहां पर एक लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता था फिर उनका सी प्रोग्राम होता है उसे कंप्लीट करना होता था इसके बावजूद भी अगर आप लोगों की कंट्री को डब्ल्यू एफ एम स्टेटस नहीं मिला है तो काफी कंट्रीज आप लोगों को अलाउ नहीं करती थी उनकी कंट्री में रहकर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए या फिर उनकी कंट्री से पीजी परस्यू करने के लिए अब क्योंकि हमारी कंट्री को डब्ल्यू एफ एम रिक्शन स्टेटस मिल गया है तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा फॉरन कंट्रीज में जाकर पीजी करना या फिर फॉरन कंट्रीज में जाकर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना क्या प्रोसेस होने वाली है वो तो ऑब्वियसली बात है जब तक आपका कंप्लीट होगा आप लोगों को पता चल जाएगा प्रोसेस को नोटिस में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है बस गुड न्यूज यह है और जब तक अब्रॉड और वो एज अ डॉक्टर भी इजिली फॉरन कंट्रीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अपने नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की थोड़ा दुग्नी रफ्तार में करने लग जाओ क्योंकि आप लोगों के लिए गुड न्यूज आने का सिलसिला शुरू हो गया है बच्चों थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेट यून फॉर अपकमिंग अपडेट्स Thank you.